संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सख्त तेवर से बेपरवाह उत्तर कोरिया अब न केवल भविष्य में और मिसाइल टेस्ट करने की बात कह रहा है बल्कि वो बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा बढ़ाने के लिए भी तैयार है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने कहा कि वो मध्य दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइलों का बड़े स्तर पर निर्माण किया जाएगा। अमेरिकी खतरों का हवाला देते हुए उसने हाल ही में यानी इस रविवार को किए गए मिसाइल परीक्षण को जायज ठहराया है। इस परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया के युवा तानाशाह किम जोंग उन ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों के मोर्चे पर तैनाती का आदेश दिया था। उत्तर कोरियाई न्यूज एजेंसी KCNA ने बताया कि मिसाइल की तकनीकी क्षमताओं से किम संतुष्ट हैं। इसमें सभी जरूरी तकनीकी विशेषताएं हैं। वार करने की क्षमता काफी सटीक है। इसे ध्यान में रखते हुए अब बड़े स्तर पर इसका निर्माण करने का फैसला किया गया है। वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया इन दिनों उत्तर कोरिया की हरकतों से काफी डरा हुआ है। उत्तर कोरिया के ताजा मिसाइल परीक्षण से बढ़े तनाव के बीच मंगलवार को उत्तर कोरिया का एक ड्रोन दक्षिण कोरिया के हवाई क्षेत्र में घुस गया, जिसके बाद दक्षिण कोरियाई सेना ने चेतावनी दी कि करीब 90 राउंड गोलीबारी की गई। परीक्षण से पैदा हालात के मद्देनजर मंगलवार को फिर से सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई, जिसमें पिछले साल उत्तर कोरिया के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को और सख्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के राजनयिक जू योंग चोल ने इसे खारिज करते हुए कहा कि आत्मरक्षा के लिए मिसाइल परीक्षण करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव के लिए अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीति, संयुक्त सैन्य अभ्यास, दक्षिण कोरिया में उसके सैन्य अड्डे और सैनिकों की तैनाती को मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम इसी खतरे से निपटने के लिए है। अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट वुड ने उत्तर कोरिया के दावों को हास्यास्पद बताकर खारिज कर दिया। वहीं उत्तर कोरिया के सबसे बड़े मददगार चीन ने भी प्रतिबंध सख्त करने के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिससे उत्तर कोरिया कभी पचा नहीं पाएगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने उत्तर कोरिया से सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन नहीं करने की अपील की है। टीम इंडोनेशिया।